सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले, जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। सो दोस्तों शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि जेआर ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। बताओ दोस्तों को यार, अपने पास ही छुपा के मत रखो। सो जैसे आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया हुआ है और लाइन वाइज हम केमिस्ट्री के जो लेसन है वो बना रहे हैं, तो एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके वो देख लो, फिर उसके बाद आगे आओ। 11th का हमने स्टार्ट कर दिया है। सो गाइज आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो आपके बुक का टॉपिक है उसमें मैंने ज्यादा यहां नोट्स नहीं लिखा हुआ है। क्यों ज्यादा नहीं लिखा हुआ, इसका रीजन ये है कि ये जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में जो जो चीजें बताई हुई है वो सेम चीज यूनिट एंड मेजरमेंट जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। सो आप क्या करो, जाके प्लीज इसको देखने के लिए, मतलब मेजरमेंट प्रॉपर्टी को जो इसमें दिया हुआ है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले जाओ, यूनिट एंड मेजरमेंट के लेसन को अच्छे से कंप्लीट कर लो, तो ये टॉपिक आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है, क्योंकि वही चीजें बार बार क्या बताना, मैंने ही वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस फिर भी चलो थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि यहां बताना है मुझे। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपको पता है कि लेंथ, मास, ये सभी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट यूज होता है। और कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस, ओके पता है, एमकेएस, फिर एफआई, फिर एसआई भी है, और इसके बारे में सब कुछ मैंने डिटेल में यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया है। तो दोस्तों प्लीज जाके यूनिट एंड मेजरमेंट वो लेसन देखो, प्लेलिस्ट चेक करो, उसके अंदर पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से बताया हुआ है, पूरा लाइन से लेसन है, और स्टार्टिंग वीडियो देख लो सिस्टम ऑफ यूनिट का, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। सो गाइस कुछ फंडामेंटल यूनिट्स यहां दिया हुआ है जो सेम है, ऐसा लेंथ जो सिंबल होता है इस क्वांटिटी का वो एल होता है, कैपिटल एल होता है, ओके। नेम ऑफ ऐसा यूनिट, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और सिंबल इस यूनिट का क्या था, मीटर होता है, मास स्मॉल एम किलोग्राम, और जिसका सिंबल होता है केजी होता है टाइम। तो सो गाइस ये सब चीजें, सबके सब चीजें मैंने बताई हुई है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, पर आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्योंकि लेसन का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सब चीजें रहेगा ही। आगे चलते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो आपका आता है वो मास और वेट। ये सेम टू सेम मास और वेट ना हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मास और वेट हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, अगर आपको याद होगा तो वही चीजें मैं यहां बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि मास मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, हमारे हमारे बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, इसी को हमको क्या बोलते हैं, मास। मतलब मेरे अंदर कितना मास प्रेजेंट है, मेरे अंदर कितना मास है, और यही कितना, मतलब कितना मेरे अंदर कितना मैटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मान लो अगर मुझे उठा के किसी और प्लेनेट पे लेके गए, मान लो दूसरे प्लेनेट के एलियन को पसंद आ रहा होगा, प्रदीप सर जो पढ़ा रहे थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आ रहा है, तो हो सकता है मुझे उठा के लेके चले जाए, और उठा के जब दूसरे प्लेनेट पे लेके जाएंगे तो जब वहां मेरे अंदर के मास को काउंट करेंगे तो सेम जो मास यहां था वही मास वहां भी रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो मास प्लेस टू प्लेस, इवन प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज नहीं होता, और मास को मेजर जो किया जाता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है, और 1 kg = 1000 ग्राम होता है, ये चीज ऑलरेडी आपको पता है। सो गाइस वही लिखा हुआ, द मास इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन, जो कितना बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही हमारा क्या होता है, मास होता है। जैसे आप जाते हो तो अगर मुर्गा खरीदने जाते हो, मुर्गा पता है ना, जिसको इसको मुर्गा पता होगा बताना मेरे को कमेंट में लिख के। तो अगर आप मुर्गा खरीदने जाते हैं तो बोलते भाई इसके अंदर मास कितना है, इसके अंदर मास कितना है, और वो मुर्गे को कहीं भी उठा के लेके जाओ उसके अंदर मास वैसा ही रहेगा। ये थोड़ी हम यहां से वहां लेके गए तो उसका मास खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो उस टाइम उतने का उतना ही रहेगा, भले किसी भी प्लेनेट पे आप लेके चले जाओ। अब हम बात करते हैं, मास की बात हो गई, वेट की बात करते हैं। वेट गाइस किससे बनता है, वेट देखो दो चीजों से बनता है, when mass is multiplied by g, when mass is multiplied by acceleration due to gravity, then we get weight. जब मास को हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब मास को हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसी बॉडी का क्या मिलता है, वेट मिलता है, क्या मिलता है, वेट। इसीलिए अब देखो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ये हमारा जी, ये तो प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ओके, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जाके आप चेक कर लो आपको पता चल जाएगा। सो इवन हर जगह ये जी चेंज होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट ये जी चेंज होता है। अब प्लैनेट टू प्लैनेट अगर ये जी चेंज होगा
तो अगर मास तो वही रहेगा, मास चेंज होने वाला नहीं है, बट जी चेंज होगा। अगर ये इसमें से एक कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो मैं इसको रफ, क्योंकि ये तो आपने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो अब मान लो मास फाइव है, एक किसी प्लैनेट पे जी की वैल्यू टू है, तो यहां क्या हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, फाइव टू जा टेन। अब ऐसा कोई प्लैनेट है, मास सेम है, पर मैं किसी और प्लैनेट पे लेके गया, लेके चला गया, मुझे कोई एलियन किसी और प्लैनेट पे लेके चला गया, सो वहां जो वैल्यू हो जाएगी वो, मान लो वहां ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 फाइव सा कितना हो जाएगा 50। सो गाइस कहने का मतलब मास प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होता, पर वेट चेंज होता है, पर वेट चेंज होता है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं हम जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लेंथ। देखो नोट्स आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया, आपको ऐसे का ऐसा ही एग्जाम में पूरा लिखना है। लेंथ, लेंथ का यूज किस चीज के लिए केमिस्ट्री में किया जाता है, तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। लेंथ क्या, लेंथ का यूज एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस कितना है इसको मेजर करने के लिए। बॉन्ड लेंथ, मान लो ये कार्बन कार्बन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड का लेंथ कितना, ये मेजर करने के लिए। फिर वेव लेंथ, ये पढ़ोगे आगे आज ये सब चीजें, वेव लेंथ, ये सबको मेजर करने के लिए हम केमिस्ट्री के अंदर लेंथ का यूज करते हैं। ओके, और केमिस्ट्री के अंदर उन, मतलब जो एटॉमिक रेडियस हो गया, वेवलेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, इसके लिए जो यूनिट, लेंथ के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है नैनोमीटर। क्योंकि देखो एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको मेजर करने का जो यूनिट भी तो अलग होगा भाई। हम नॉर्मल जो मेजर करते हैं उस तरह से मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए एटम्स को, एटम्स के रेडियस को मेजर करने के लिए जो यूनिट वो यूज होता है वो होता है नैनोमीटर, मतलब शॉर्ट में एनएम लिखते हैं, और पिकोमीटर पीएम। ओके, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर होता है, 10^-12 मीटर। तो गाइस इसीलिए अगर हमें एटम के रेडियस को मेजर करना है, बॉन्ड लेंथ मेजर करना है, तो हमें छोटी क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है, छोटे यूनिट का यूज करना पड़ता है, जो ये होते हैं नैनोमीटर और पिकोमीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू, अरे फंस गया ये, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर होता है। सो गाइस, और मैं इसको फटाक से इरेज करता हूं और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैं इधर लिखता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट, प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं नेक्स्ट है वो हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस क्या होता है गाइस, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वही उसका क्या, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूंगा तो मैं बताता हूं, इसके अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, इस वाटर का, इसके अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई इस वाटर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है वही इस वाटर का क्या है, वही इस वाटर का क्या है, वॉल्यूम है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बताओ इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बताऊंगा कि अगर मान लो इसके अंदर पानी नहीं है, जैसा मान लो पानी नहीं है, तो मुझसे अगर कोई पूछे कि इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जितना इस बॉटल के अंदर खाली स्पेस है वही इसका क्या है, वॉल्यूम है। सो गाइस अब वाटर के थ्रू हम समझा देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब ये वाटर को भी थ्री डायमेंशनल नहीं बोलते, एयर ले लो, ग्लास ले लो, ये सभी क्या है, थ्री डायमेंशनल। तो जितना थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, मतलब मान लो मुझे उठा के पानी में डाल दो, मैं जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा हूं वही मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बस। और इसीलिए वॉल्यूम शेप पे डिपेंड नहीं करता, जहां रखना है रख दो, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, जनरली वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम, जैसे गैसेस और लिक्विड के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो लीटर यूज करते हैं, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एल। ओके, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसको और हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीलीटर होता है, अगर और कन्वर्ट करें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है गाइस। तो ये कन्वर्जन है, इसको आप याद कर लो कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, और अगर कन्वर्ट करें हम इसको तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये आपको बाहर करना है, इसमें कुछ बताने वाली चीजें, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को और हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा, ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ओके, सो बस ये कन्वर्जन फैक्टर, इसको तो आपको ऐसे का ऐसे ही बाहर करना है बस। बट गाइस अगर ऐसा यूनिट पूछा, जो जनरल यूनिट हम यूज करते हैं गैसेस एंड लिक्विड के लिए तो लीटर होता है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं होता। ऐसा यूनिट अगर आपको कोई वॉल्यूम का पूछे तो आप क्या बताओगे,
मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब? मीटर क्यूब, यहां सेंटीमीटर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट जो होता है मीटर क्यूब होता है और सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइस ये भी आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम डेंसिटी की तरफ, किसकी तरफ, डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कैसे फाइंड होता है, उसके अंदर कितना मास है, वेन इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वैल्यू क्या कहलाती है, डेंसिटी। और डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो क्या, द रो। ओके, तो वेन मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम देन वी गेट डेंसिटी। ओके, अब जो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। क्या होता है, केजी मीटर क्यूब, क्योंकि देखो मास का क्या होता है केजी और वॉल्यूम का क्या होता है हमने देखा है मीटर। ओके, पर मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब पर ये डिवाइड में, इसलिए मीटर हमने रेस टू माइनस थ्री कर दिया। ओके, डाउट है अगर आपको ऐसे लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब, बट मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया, ऐसे रेस टू क्या हो गया माइनस थ्री हो गया। अब गाइस टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना कोल्डनेस है, कितना हॉटनेस है, कितना वो कोल्ड है, कितना हॉट है, ये जो हम मेजर करते हैं इसी को तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर हाई है। अब मैं आपको हॉट दिख रहा हूं या कोल्ड दिख रहा हूं, ये मेरा टेम्परेचर मेजर करके आप बता देना मुझे। देयर आर थ्री कॉमन स्केल जो मेजर है टेम्परेचर, तीन तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक डिग्री फेरनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। ओके, जनरली ज्यादातर आप अपने जो केमिस्ट्री में यूज करोगे केल्विन ही यूज करोगे। अब कुछ कन्वर्जन फैक्टर जो आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है, मतलब वन, ये आपको याद ही रखना है कि वन डिग्री सेल्सियस कितना होता है, वन डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273.15 केल्विन होता है। डिग्री फेरनहाइट कितना होता है, डिग्री फेरनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 35। अगर ऐसा है, मैं करके बताता हूं, अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस को फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, डिग्री फेरनहाइट 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है प्लस 32। अब 5 × 5, 5 × 4 = 20, 9 × 4 = 36 प्लस 32, तो 6 × 2 = 8, 3 × 3 = 6, तो कितना फेरनहाइट हो गया, अपने को मिल गया 68 फेरनहाइट, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है 68 फेरनहाइट। ओके, आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जितना भी हम मान लो या 20, आपने वो डिग्री सेल्सियस कितना दिया 20, तो 20 में ये प्लस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केल्विन में। तो इस तरह से सिंपल सा है, बाकी न्यूमेरिकल्स के टाइम में ये सब चीजें बताऊंगा, बाकी सब कुछ यहां लिखा हुआ है, आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां लिखा हुआ है, आपने समझ लिया होगा और पूरा आपको अच्छे से आ रहा होगा। और यहां गाइस आज हम लेक्चर को ओवर करते हैं, आज मैंने मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा मैंने बता दिया, आप अच्छे से वीडियो देख लो, जाके जम के प्रैक्टिस करो, दोस्तों को शेयर करो, बताओ भाई इस जेएड ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे सभी कुछ आ रहा है, और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।